विधायक बन के आप ये बताओ, इलाके में जाके आपने कितनी जनसेवा की है, कितने आप कैंप लगाते हो, कितने घर घर घूमते हो, कितने लोगों को आपने लोन दिलवाए, एससी एसटी के कितने काम कर रहे हैं, महिलाओं को कितने रोजगार दिलाए, कितने लोन दिलाए, लेकिन कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं पद पे रहूंगा, मुझे चुना है, फलाना है, ढिकड़ा है। भैया ये हिंदूवाद, ये मनुवाद कैसे चलेगा? जय श्री राम बोलने वाले के साथ, जो कह रहा मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ और मैं कृष्ण का अवतार हूँ, जो कह रहा मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ, उसके साथ बुद्ध कैसे चलेंगे भाई? राजेंद्र पाल गौतम बिल्कुल शक के घेरे में है, मनुवाद के चंगुल में है और मनुवाद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तमाम दलितों को और मैं बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि भाई इनके बहकावे मत आओ। तो किसी ने कह दिया जय भीम, जय बुद्धा और जय काशीराम, जय संविधान, तो तुम उसको अपना मान लोगे क्या? डूबने वाले हैं बिल्कुल, बस छेद हो चुका है, डूबने ही वाले हैं, ठीक है ना? दो नावों पे कभी नहीं चल सकते। के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को मोहरा बना के इन्हीं मनुवादी पार्टियों ने उनको 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी। अचानक एकदम से उसको ला करके और नीला रथ घुमाया 15-20 दिन, एक महीना, और ये 22 प्रतिज्ञाएं करके हाईलाइट करवाया। वो मकसद ये था कि 2024 में अनुसूचित जाति जनजाति का जो मूव खड़ा होना है और मनुवादियों को रोकना है, उसको डिस्टर्ब करना। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा उन्होंने लिया या इन्होंने दिया, इनकी मिली भगत थी, मगर इन्होंने पार्टी सदस्यता इस्तीफा आज तक नहीं दिया, पार्टी की सदस्यता प्राथमिक सदस्यता से। और दूसरी बात यह कि अब आना एमसीडी में इनका स्टार प्रचारक के रूप में जब लिस्ट में नाम आया, तो हमने जब कहा कि भाई देख लो ये तो साबित हो गया, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा जी उन्होंने कहा वो आ नहीं रहे प्रचार करने, तो मैंने उन्होंने डिनाई भी तो नहीं किया भाई, उन्होंने उसका विरोध भी तो उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी की जब चिट्ठी आई स्टार प्रचारक की, जब वहाँ पब्लिश हुई है प्रेस में, मीडिया में सार्वजनिक हुई है, तो उनको बताना चाहिए था कि भाई मैं तुम्हारा स्टार प्रचारक नहीं हूँ, यह आपने मेरे से बिना पूछे नाम डाला है, तो उन्होंने उसका खंडन भी तो नहीं किया। तो इसका मतलब अंदर खाते आम आदमी पार्टी और राजेंद्र पाल गौतम जी के बीच में गठजोड़ है, और बड़ा गठजोड़, जो कि ये याद दिलाता है कि जो यहाँ पर हमारा 2024 का जो मूव होना है इन मनुवादी पार्टियों को रोकने का, उसको पूरी तरीके से अभी से काउंटर करने के लिए उनका ये प्रयास है। तो वो स्पॉन्सर्ड हैं ना, तो उनको विधायक तो अपनी उससे बने ही नहीं, वो बार बार कह रहे हैं ना मुझे 55,000 वोट या 60,000 वोट से लीड से जीता, अपने आप थोड़ी जीते हो, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के उस पर कोई भी खड़ा होता तो जीत जाता। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी ये विधायक पद पर आप हो, विधायक बन के आप ये बताओ इलाके में जाके आपने कितनी जनसेवा की है, कितने आप कैंप लगाते हो, कितने घर घर घूमते हो, कितने लोगों को आपने लोन दिलवाए, एससी एसटी के कितने काम कर रहे हैं, महिलाओं को कितने रोजगार दिलाए, कितने लोन दिलाए, लेकिन कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं पद पे रहूंगा, मुझे चुना है, फलाना है, ढिकड़ा है। सब जब आपने जब ये मूव खड़ा हुआ, देखिए दो चीजें, बाबा साहब, बुद्ध और मनुवाद, बाबा साहब और मनुवाद, कांसीराम और मनुवाद एक साथ नहीं चल सकता। आप अगर जब कह रहे हो कि आपने 22 प्रतिज्ञा ले ली, बुद्ध धर्म अपना लिया, तो फिर भैया ये हिंदूवाद, ये मनुवाद कैसे चलेगा? जय श्री राम बोलने वाले के साथ, जो कह रहा मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ और मैं कृष्ण का अवतार हूँ, जो कह रहा मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ, उसके साथ बुद्ध कैसे चलेंगे भाई? या तो आप श्री राम मान लो या फिर आप बुद्ध मान लो, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? इस समय हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, और जो दुख इस बात का कि जो उनके साथ पढ़े लिखे लोग हमारे गए उसके सपोर्ट में, वहीं पर था खतरा कि सबसे पहले उनको बोलना चाहिए था कि हम तब आएंगे भाई, कि तब आप पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन करोगे। और मैंने उनको कहा कि भैया विधायक पद नहीं जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आप दल बदल नहीं कर रहे हो, अगर ये दल बदल करते तो जा करके पार्टी की उनकी विधायकी खत्म होती। लेकिन मुझे कहानी सुना दीजिए कि वो रेकमेंड कर देंगे कि विधायकी खत्म हो, तो करने दो ना, जनता के सामने आप और हीरो बन जाओगे कि पार्टी ने आपको विधायकी पद से आपको अयोग्य ठहरा दिया। तो इसलिए, लेकिन ये मिली भगत है, राजेंद्र पाल गौतम बिल्कुल शक के घेरे में है, मनुवाद के चंगुल में है और मनुवाद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तमाम दलितों को और मैं बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि भाई इनके बहकावे मत आओ और आकर के अपनी राजनीति करो और तैयारी करो, जो गठबंधन बनना पूरे देश में 2025-24 में, जो इन मनुवाद को रोकना है, जो आते ही संविधान को ख़त्म करेंगे, संसद को बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और इस देश के प्रतीकों को बदलेंगे। इसलिए उनको रोकना है, हमें तैयारी करनी है। राजेंद्र पाल गौतम उनका प्रतीक बन चुका है, उनके अंदर खाते उनके लिए मनुवाद के लिए काम कर रहा है। कोई दबाव में नहीं है, उनको स्पॉन्सर्ड है, कोई दबाव नहीं। किस बात का दबाव?
अरे तो करा होगा तो लगेंगे ना, अगर नहीं करा तो जाओ जेल, किसने मना किया? जेल जाओगे तो नायक बनोगे, हीरो बनोगे, आप जाओ क्यों डर रहे हो? इसका मतलब आपने करा है, जब करा है तो भुगतोगे भाई। बेईमान तो कोई भी हो, बेईमान तो बेईमान है। अगर आपने करा है यानी कि इसका मतलब तुम उसकी उसकी केजरीवाल के भ्रष्टाचार में भी शामिल हो, यानी कि आपने एस सी एस टी के वहाँ सामाजिक न्याय वो मंत्री होते हुए भी आपने इसका मतलब एस सी एस टी के पैसे खाएं। देखिए इन्होंने 200 मशीनें बांटी थी जो शिविर सफाई की, आपको याद होगा 2020 में मैं पहला आदमी था जो इनके खिलाफ सीबीआई में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि वो मशीनें उन लोगों को मिली जो अयोग्य थे, जो उसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ था किन लोगों को मिलनी है, इन्होंने दे दी हाई फाई लोगों को जिनको की जरूरत नहीं थी और जो उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे कंडीशंस को, उसमें इन्होंने डिक्की के साथ मिल करके पैसे लिए, लेन देन हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो मैंने विरोध किया था और जो वहाँ पर उसमें सीबीआई में इनके खिलाफ जांच की मैंने अपील की थी, जो अभी भी पेंडिंग है मैटर। तो जब आपने भ्रष्टाचार करा भाई, अच्छा हमारे 38,000 करोड़ रुपए एस सी एस टी का फंड, 38,000 के अब तो 2 साल और हो गए, 50,000 करोड़ रुपए एस सी एस टी कंपोनेंट प्लान का पैसा, हमारे नौजवानों के रोजगार का पैसा, सब रोजगार का पैसा, कहाँ है राजेंद्र पाल गौतम जी बताओ, कहाँ है हमारा पैसा? आप अपने मुख्यमंत्री से पूछ के बैठाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप मंत्री हो इतने साल से, कहाँ है वो हमारा पैसा एस सी एस टी कंपोनेंट प्लान का? हमारे कितने बच्चों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया? 5-5 लाख से लेके 55-55 लाख के लोन, जो कि अपने छोटे छोटे काम व्यवसाय शुरू करेंगे, और 25-25 लाख रुपए तक के पढ़ने के लोन, कहाँ है हमारा पैसा? आपने एक भीम ऐप भी शुरू, भीम योजना भी शुरू की, उसमें भी इस मायावी लाला ने बड़ी मक्कारी के साथ उस भीम योजना के पैसे में, उसमें भी जो जनरल 10% जो अभी पास हुआ था वो उनका जनरल का रिजर्वेशन, वो जनरल कैटेगरी भीम योजना में डाल दी ईडब्ल्यूएस, वो पैसा हमारा एस सी एस टी का, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैसे आ सकते हैं? अलग क्रिएट करो ना। और हमारा मंत्री देख रहा है, जो एस सी का मंत्री वो देख रहा है, रिजर्वेशन खत्म होते हुए देख रहा है, हमारे दारू के अड्डे जब खत्म हुए सरकारी, हमारी उसमें नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा है, और 22 प्रतिज्ञा लेके नायक बनने की कोशिश कर रहा है, और हम भ्रमित हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। और जिनको डर है कि उनके पास सबूत हैं, जो पैसे इन्होंने घोटाले करें वो घोटाले बिल्कुल ये जा सकते हैं जेल, तो इसलिए ये जेल जाने के प्रेशर में तो हो सकते हैं, तो मान सकता हूँ, मगर ये उनके स्पॉन्सर्ड हैं और ये चेहरा अभी मनुवाद का प्रतीक बन चुके हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहें, इनको आम आदमी पार्टी में रहने दो भाई, आप प्रचार करो, मेंबर रहो, जो मर्जी रहो, जब तक आप आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन नहीं करते तब तक दलित समाज इनसे बिल्कुल कोसों दूर रहे, मेरी अपील है। मनुवादी भी कहते हैं बुद्ध हमारे 10वें अवतार हैं, तो इसका मतलब क्या कि वो बुद्ध को मानते हैं? हमारे ये जितने प्रधानमंत्री संतरी जाते हैं तमाम, ये जाते हैं विदेशों में कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, तो क्या बुद्धिस्ट हो गए? और हमारे, मैं देख रहा था एक हमारे योगी जी जो हिंदूवाद का प्रतीक हैं, वो भी एक फॉरेन डेलीगेट को वो एक फोटो देख रहा था फेसबुक पे, वो बुद्ध की फोटो दे रहे हैं उनको, तो इसका मतलब क्या बुद्धिस्ट थोड़ी हो गए? तो किसी ने कह दिया जय भीम जय बुद्धा और जय काशीराम जय संविधान, तो तुम उसको अपना मान लोगे क्या? भैया हमें यही देखना पड़ेगा कि सामने जो बोल रहा है उसके अंदर क्या है, हमें झांकना पड़ेगा। ये काम हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे सक्रिय जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहचाने और बताएं समाज को कि ये धोखेबाज है, ये हमारा नहीं है, इससे सावधान रहो भैया। जब तक कि आप रिजाइन नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। डूबने वाले हैं बिल्कुल, बस छेद हो चुका है, डूबने ही वाले हैं, ठीक है ना, दो नावों पे कभी नहीं चल सकते आप, जय श्री राम और बुद्ध तो कभी चल ही नहीं सकते ना एक साथ। मुझे बताओ ना, वो जय श्री राम का नारा लगा रहा है वहाँ पर लाला, ये यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के कह रहे हैं नमो बुद्धाय, जय बुद्धाय, जय भीम है, और वो वहाँ जाके अगले दिन रात को लाला मायावी इनका जो अध्यक्ष है लाला, वो कह रहा है जय श्री राम, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ। अरे जिसको तू कह रहा है प्रतिज्ञा में कि मैं राम को नहीं मानूंगा, श्याम को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा, वो तेरा लाला अध्यक्ष जाके अगले दिन वहां उन्हीं की कसम खा रहा है, तो डूब मर शरम कर, क्यों समाज को धोखा दे रहे हो यार? हम लोग तो धोखा दे रहे हो, तो एक्सपोज हो गए बुरी तरह, बिल्कुल संविधान को तार तार कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे, संविधान को तो खत्म कर रहे हैं। देखिए अभी इस इलेक्शन में क्या हुआ, कोई पार्टी नहीं बोल रही है मनुवादी, इस इलेक्शन में एमसीडी के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना लोगों से बात करे, बिना वो करे, इसने दिल्ली निर्वाचन आयोग ने उसमें एक सिर्फ एक जो परमिशन से लेंगे वो कैंडिडेट अपनी रैली की, अपने टेम्परेरी ऑफिस की, किसी प्रचार प्रसार की, गाड़ी की, वो ऑनलाइन ही करना उनको, ऑनलाइन और मैनुअल बंद कर दिया।
तो हमने कहा भाई आपने ये क्यों करा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, छोटी पार्टियां, उनके पास संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई उसमें से ऐप में जाओ और उसमें पहले PDF है 6 पेज का, उसको प्रिंट कराओ, 60 रुपये तो एक है, 10 रुपये प्रिंट होता है, और उसके बाद वो कह रहे हैं इसको भर के और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट लगा के 10-12 पेज हो जाते हैं उनको उसमें, क्योंकि गाड़ी की RC लगेगी, सब लगेंगे, और वो वेरिफिकेशन लगेगा, तो उसको फिर से स्कैन कराओ, स्कैन कराने के 20 रुपये लगते हैं कहीं भी चले जाओ, और जो स्कैनर है आज की तारीख में उनको पता है कि ये वो 30-40 रुपये ले रहे हैं, तो 500 रुपये में एक परमिशन, और पर डे परमिशन लेनी है। ये इस तरह का ये मक्कारी वाले जाल, जो Article 14 भारत के अनुच्छेद Article 14 का घोर उल्लंघन है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनके पास तो पैसा है, संसाधन है, और जो गरीब कैंडिडेट हैं, जो बाबा साहब के टिकट के ऊपर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, संविधान की शक्ति से लड़ रहे हैं, वो गरीब कैंडिडेट, वो वहां पर उनको बराबर के अपॉर्चुनिटी ना मिले, संविधान के विरुद्ध है, और कोई पार्टी नहीं बोल रही है, हमने विरोध करा, ये लोग तो संविधान तोड़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं कहना ये चाहता हूं कि ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, और हम मूक दर्शक होकर के सिर्फ देख ही नहीं रहे, हम उनके झंडे डंडे उठा करके उनको शक्तियां दे रहे हैं, उन मनुवादी लोगों को शक्ति। हाँ तो करेंगे ना, उन्होंने कह दिया ग्लोबल विदेशी आ रहे हैं, विदेशी आएंगे, विदेशी ग्लोबल ठेकेदार आएंगे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे थे उनसे अब वो 12-12 घंटे कराएंगे, तनख्वाहें कम कर देंगे, और गधे की तरह उन्हीं से काम करवाएंगे, उन्हीं से ढुलवाएंगे। इन्होंने बताया नहीं भी कैसे करवाओगे, किन से करवाओगे, कहाँ से, जर्मन से लाओगे आदमी, आप जापान से लाओगे, कहाँ से लाओगे, इसको कूड़े को ढेर को इसको ख़त्म करने के लिए लगे चट्टाने तीनों तरफ पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे, करोगे कैसे भाई, इन उन सफाई कर्मचारियों के ऊपर आप बोझ डालोगे और उनको ना पक्का करोगे, क्योंकि ग्लोबल ठेकेदार आने, टेंडर आने, ग्लोबल इन्होंने कह दिया है, पूरा मीडिया पे चल रहा है, इनका बयान चल रहा है केजरीवाल जी का, तो इसीलिए ये तमाम लोग, चाहे देखो BJP जीते, आम आदमी पार्टी जीते, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, और हमें अनुसूचित जाति जनजाति को मिल करके अपनी वहाँ पे लड़ाई लड़नी है। और हमने कहा भाई हम 2 सीटें लड़ रहे हैं, Team DDA 42 नंबर मंगोलपुरी और 105 नंबर हम ये महावीर इनक्लेव, ये 2 सीट छोड़ करके बाकी 248 सीट पे हमने कहा कि BSP के लोगों को सपोर्ट करो, कैंडिडेटों को, इनको लालाओं को, मनुवादियों को मत करो, BSP को सपोर्ट करें, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, खटीक समाज, जितना भी दिल्ली में 36 बिरादरियां हैं शेड्यूल जातियों में, आंख मूंद करके हाथी पे बटन दबा दो और इन मनुवादियों के सपने को, सत्ता में बैठने के सपने को चकनाचूर कर दो, इनको धाराशाही कर दो, ये मैं अपील करना चाहता हूं। देखिए इसमें ये जो पॉलिटिकल रसूख के लोग हैं या धनाढ्य लोग हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में सांठगांठ है, ये अपना उस तरीके से ये वहाँ पर जेल को भी अपने अय्याश गाह बना रहे हैं, 5-स्टार होटल सुविधाएं ले रहे हैं और उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है, और सबको पता है कि भाई इस तरीके से कर रहे हैं। BJP को अगर पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेनी होती तो BJP कभी भी एस्टिंग नहीं करवाती, इस तरह का काम नहीं करती, क्योंकि उनको अभी 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और वो हिमाचल और गुजरात, तो वहाँ पर बेनिफिट लेने के लिए इस प्यादे के ऊपर वो किया, सिर्फ दिखाया है, वो भी कोई एक्शन नहीं किए कि भाई कुछ को अधिकारियों को जेल भेजें या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करें, 1-2 ट्रांसफर्स कर दिए सिर्फ दिखाने के लिए। तो इसीलिए सब मिलीभगत है, दोहरा चरित्र, गरीब के लिए अलग व्यवस्था उस जेल में, जो गरीब कमजोर हैं SC ST के और जो OBC माइनॉरिटी क्लास के जो वहाँ पर कैदी हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, जिनको जेलों में उनसे टॉयलेट साफ करवाते हैं, गंदगी साफ करवाते हैं, खाना पकवाते हैं, उनसे सेवाएं करवाते हैं, मेहनत के काम करवाते हैं, उनको पीटते भी हैं, अत्याचार करते हैं, सड़े हुए जेल में रखते हैं, गंदे उनको कंबल देते हैं, खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उधर जो इस तरह के रसूखदार लोग जाते हैं पॉलिटिकल कनेक्शन वाले, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर है तिहाड़ जेल, तो वहाँ पर वो आनंद ले रहा, देखा ना TV में क्या आनंद लूट रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर मसाज हो रही है, बढ़िया बेड लगे हुए हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं घर के, और पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल साथ में रखे हैं, देखिए सारी चीज़। देखिए ये तो कहने की बात है, परिंदा पर नहीं मार सकता, इससे पहले भी जो फूलन देवी का जो वो था कातिल, जो फूलन देवी को मार राणा, वहाँ पर वहाँ तिहाड़ जेल से ही निकला था ना, ये दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकला था, किसने कहा कि सुरक्षित है, कब सुरक्षित है, ये सुरक्षित है सिर्फ मालदारों के लिए, ये असुरक्षित है गरीबों के लिए, और जो जिसको निकालना हो वहाँ तिहाड़ जेल से निकल गया एक राणा, आज तक नहीं पकड़ा गया,
वो भैया वो कहाँ चला गया, वो कौन जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ऐसे पहले बहुत सारे केस हुए हैं। और ये सारी जेल का जो सिस्टम चलता है, ये तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर पे चलता है, और उनके जो रिश्तेदार, नातेदार, जानकार या पैसे वाले आते हैं। अभी आपने देखा ना कि वो जो एक वो करोड़ों रुपये का जो उसमें फ्रॉड में फंसा हुआ था, उसको वो भी वहाँ पर आनंद लूट रहा था, उसको भी जो तो पता नहीं चला, जब जा करके उसको रोका नहीं तो वो भी आनंद लूट रहा था, पुलिस वालों को पैसे फेंक रहा है और आनंद ले रहा है, सब कुछ मिलता है वहाँ। तो जा रहे हैं सर, जाते हैं वो वहाँ पर, जाते हैं ये लेकर के जाते हैं, उन्हीं की सरकार है ना। होम मिनिस्टर अगर कह दे या LG कह दे तो वहाँ के जेलर की औकात है कि वो ना माने उसकी बात को? तो आप इस बात को छोड़ दो कि वहाँ बैठे उनके बाप बैठे हैं वो कहने वाले। तो इसलिए जब तक कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट या अथॉरिटीज़ का उसमें दखल ये शुरू हो गया है, जब तक उन दखल को नहीं ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी बात देखिए, पुलिस सुधार जब तक नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह ये सुधरेंगे नहीं। पुलिस रिफॉर्म हो, और मेरी मांग, पहली मांग ये है कि जो पुलिस है स्टेट की, वो वहाँ के लोकल लोग नहीं होने चाहिए। अगर हरियाणा की, दिल्ली के, अगर हरियाणा की अगर वहाँ पुलिस है तो हरियाणा के लोग नहीं होने चाहिए वहाँ पर। वहाँ केरला के लोग वहाँ भर्ती होने चाहिए, जिनको उनकी जाति पता ना हो, किसी की भाषा ना आती हो, वहाँ किसी के बारे में ना पता हो। एक जिस स्टेट में, उस स्टेट का पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। उनको हरियाणा वालों को महाराष्ट्र भेज दो, महाराष्ट्र वालों को यू उत्तर प्रदेश भेज दो, तभी जा करके, नहीं तो पता हो या वो बोलते ही हाँ जी हम आए जी द्विवेदी जी, वो तो पैर पकड़ा रहे पंडित जी आगे, क्योंकि वो भी चोटी वाला है। वो सिर्फ उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली लोकल सरकार के पास है, और वो सरकार के, दिल्ली सरकार के पास उसमें दखल क्यों है मुझे बताओ। वहाँ पर CRPF के जो लोग हैं, जो ऊपर वो उसकी वो करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो जेलर है वो कौन है? वहाँ का जेलर कौन है? जो इंटरनल जो वहाँ पर व्यवस्था देखते हैं वो तो दिल्ली पुलिस का है। जो वहाँ पर और लोग हैं वो कौन है? वो और वो किससे कनेक्टेड हैं? डायरेक्ट LG से, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए भाई, मेरे भाई, जब तक देखिए, और जब तक पब्लिक का दखल नहीं करेंगे, जब तक पुलिस की, चाहे जेल हो, चाहे वो इलाके हो जहाँ पर बजट खर्च होने, हर जगह जब तक पुलिस को, जब तक लोकल लोगों को, कमेटियाँ बनकर लोकल लोगों का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, दखल नहीं होगा, आना जाना सुनिश्चित नहीं होगा, और जबकि लोकल लोग वहाँ जा करके वहाँ पर व्यवस्था को खुद चेक करके, और जब ऑडिट नहीं करके रिपोर्ट नहीं भेजें कि भैया ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, तब तक हर वर्ग के वहाँ पे लोगों को वहाँ आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, और वहाँ के लीडरशिप को वहाँ जाने की, हर SC ST OBC हर जनरल को वहाँ पर, उस तरह के लोगों के, उनके संगठनों के प्रतिनिधियों को वहाँ पे अपॉइंट हो, और वहाँ पर महीने में 15 दिन में एक बार चेकिंग हो, और जेल से पूछा, हाँ, खाली पुलिस ना हो वहाँ पर, लोकल लोग वहाँ, जो NGOs के सोशल सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, उनके एक एक लीडर मांगे जाएं और उनको वहाँ पर पास बनाएं, जिससे कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ चेक करें और वहाँ पर रिपोर्ट भेजें कि यहाँ पर भैया एक जैसा व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कोई गलत तो नहीं हो रहा है। वहाँ गांजे जा रहे हैं बताओ, वहाँ दारूएँ जा रही हैं, वहाँ पर खाने 5 स्टार के जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन वो जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंदर का मिला हुआ है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनको स्वायत्तता देनी होगी और पब्लिक का दखल डायरेक्ट हर संस्थान में करना होगा। केजरीवाल आए या BJP आए, एक सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं, है ना, एक सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक ही हैं। तो ना तो केजरीवाल के बदलने से कोई परिवर्तन होने वाला है, ना BJP के रहने से कुछ और चीज़ रिफॉर्म होने वाली है, ठीक है ना। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें एक वो था कि BSP अगर पहले से थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती दिल्ली में, 1 महीने 2 महीने पहले से, तो जो यहाँ पर जो SC ST के संगठन थे, चाहे वो पॉलिटिकल थे, चाहे इंडिपेंडेंट थे, चाहे दूसरे थे, अगर मिलके 250 सीटों पर मिलके अगर चुनौती दे देते, तो स्थिति इनको, हम मनुवादियों को टक्कर दे सकते थे। अब कांग्रेस आए, BJP आए, आम आदमी पार्टी आए, तीनों मनुवादी नेतृत्व वाली पार्टियाँ हैं, और तीनों ने ही हमारे साथ धोखा किया है। तो इसमें कोई भी जीते, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई चाहे नागनाथ सिंह जीते, चाहे सापनाथ जी के, नुकसान तो डसना तो हमें SC ST के लोगों को ही। कुछ नहीं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं, बहुत सारी चीज़ें वो चेंज होनी थी, इलाकों में जा करके देखो कोई चीज़ भी। हाँ, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो चमचमा गए, उनके अंदर वो चर्बी चढ़ गई और लाल टमाटर हो गए, कपड़े बदल गए, उनके रहने का रिहायशी और गाड़ियों में चलने का रसूख बदल गया, बदला तो वो है, ठीक है ना। लेकिन जो लोकल जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। पानी के बिल आने शुरू हो गए जो फ्री थे, 2.5-2.5 लाख रुपए के, 50-50 हज़ार रुपए के पानी के बिल, JJ कॉलोनी के
उनके 25 गज के क्वार्टरों के और बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए 8-8, 10-10 हज़ार। हाँ तो कहाँ गया वो पैसा जो, हाँ तो वो गलत है ना, वो बताना पड़ेगा। लेकिन देखो अभी हम लोग हम बता नहीं पा रहे ना, हमारे पास जनरल मीडिया नहीं है, हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाते जितना हम पहुँचा पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी दिल्ली के बिजली के बिल आने लग गए, पानी के इकट्ठे बिल आ रहे हैं पुराने, तो वो 250 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई, जो बिजली पानी का हर महीने आप देते थे उन लालाओं को, NDPL के लाला को, प्राइवेट कंपनी को या दूसरे, उसको तो पैसा कहाँ गया वो? जब बिल अब तुम इकट्ठा ले रहे हो ब्याज लगा के, तो पैसा कहाँ है वो भाई? हाँ तो कोई बात नहीं, लाने देखो, अभी वहाँ पर उन्होंने उसको चेक नहीं किया ना, और वो इसीलिए था कि जहाँ वहाँ पर SC ST की वहाँ लड़ाई होती इनके साथ, BJP के साथ, तो इस लाला को बीच में खड़ा कर दिया, क्यों कांग्रेस अपना अस्तित्व को खोती जा रही है। अब उनको लगा कि यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक वो छोटे भाई बसावा साहब की आदिवासी ट्रैवल पार्टी है, वो पार्टी चुनौती दे रही थी बहुत ताकत के साथ, और वहाँ पर BSP भी मिल करके वहाँ पहुँच रही थी, तो इन SC ST की पार्टियों को रोकने के लिए उन्होंने लिया है लाला केजरीवाल को, क्योंकि इसी के तहत तो उनका भी शासन चलेगा। अगर ये भी जीत गई तो दोनों भाई भाई हैं। ठीक है जी सर, दिखाई तो इसलिए नहीं दे रही ना कि एक तो कुछ ये भी है, कुछ तो कमियां हैं, लेकिन वो जितना कर पा रहे हैं तो वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जो जनरल मीडिया है, आज तक है और दूसरी वो हैं दूसरे, उनमें क्या दिखाई दे रहा है, वो जो डिबेट चल रही है तीन पार्टियों के बीच में चल रही है, और कांग्रेस जबकि मरी हुई पार्टी है, और उसके बावजूद भी उसको बुला रहे हैं, बाकी BSP का कोई वहाँ प्रतिनिधि नहीं होता और दूसरी दलित पार्टियों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता वहाँ पर, वो उन्हीं को बुला रहे हैं, उन्हीं को, BJP को, आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस को, और छोटा मोटा कुछ वहाँ के लोकल किसी जो रसूखदार है उनको बुला लेते हैं। वहाँ पर हमारे जब कैंडिडेटों को वहाँ प्रतिनिधियों को बुलाओगे नहीं पार्टियों के, हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे, कैसे लोग जानेंगे? दिल्ली में तो देखो BSP का साथ धोखा हुआ, 2020 के चुनाव में जो 14% वोट था उसमें 13.5% वोट लाला केजरीवाल को चला गया, जो हमारे कैडराइज लोग थे उनका, तो इसलिए यहाँ दिल्ली में तो BSP के कैडर ही नहीं बचा ना, आप कैडर नहीं बचा कहाँ दिखाई देगा? नहीं सारा वोट ले गए ना, देखो BSP का आप उसको समीकरण नहीं नहीं हाँ ये कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हमारे लोग चमक दमक में चले जाते हैं ना, और देखो चमक दमक में आम कार्यकर्ता नहीं गया, वो गए जो जय भीम और नमो बुद्धाय के जोर जोर से नारे लगाते थे और कहते थे हम कांशीराम और बाबा साहब के हम ही हैं कट्टर, वो चले गए लाला केजरीवाल के, उसमें लाला को नेता मान लिया उन्होंने, तो आम कार्यकर्ता बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए जो जिन लोगों को प्रतिनिधित्व देना था, जिनको मोर्चा संभालना था, नेतृत्व करना था SC ST का, BSP का या SC ST मूवमेंट का, तो वो भाग गए, होगा लाला केजरीवाल के खुद विधायक बनने, मंत्री बनने खुद चले गए, तो बेचारा आम कार्यकर्ता क्या करेगा?